हेलो गाइस, एएमडी का आरडीएनए 2 कल रिलीज़ हुआ था 28 तारीख को रात को। उसमें हमें तीन नए ग्राफिक कार्ड देखने को मिले थे, 6900 XT, 6800 XT और 6800। तो ये अल्टीमेट 4K, सारे कार्ड 4K पे खेलने के लिए कैपेबल है। लेकिन इसमें मेरे को डिसअपॉइंट हुआ है इंडिया के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ग्राफिक कार्ड $500 में के अंदर नहीं है पहले दिन। और इतना बजट अभी इंडिया वाले लॉकडाउन के दूर तो नहीं बना सकते। ये यहाँ पे कंपेटिबल जो रहेंगे, जो 6900 XT जो सबसे टॉप एंड कार्ड है उसका, तो उसके पास 80 कंप्यूट यूनिट है और गेम क्लॉक है 2 GHz का, बूस्ट क्लॉक है 2.2 GHz का और इन्फिनिटी कैश जैसा हम लोग ने पहले बताया था कि 128 MB का रहेगा और 16 GB है 24K अगेंस्ट, और ये 300 W का है ये, और 6800 XT भी 300 W का है। लेकिन क्यों ये पावरफुल होने के बावजूद ही, हम बाद में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अभी बात कर लेते हैं 6800 XT, जो मोस्टली जो खरीदेंगे जो हाई एंड वाले होंगे उनके लिए 72 कंप्यूट यूनिट है, कंपेयर टू 5700 XT 40 कंप्यूट यूनिट। ये 2 GHz गेम क्लॉक है और बूस्ट क्लॉक है 2.2, तो ये जो गेम क्लॉक होगा उसका ज़्यादा चांस होगा, मतलब उसी पर चलने का ये ज़्यादा रिप्रेजेंट करेगा। और बाकी सब देख सकते हैं आप, एकदम सेम है, 128 MB का इन्फिनिटी का है, 16 GB DDR6 और 300 W का, ये डायरेक्ट 3080 को कम्पीट करेगा। और 6800 XT जो मोस्टली लोग खरीदेंगे, लेकिन इतना भी गुड वैल्यू नहीं है कंपेयर टू 6800 XT, सो 60 कंप्यूट यूनिट होगा और 1800 MHz हो सकता है, इसके बाद में बढ़ाएंगे तो शायद अच्छा हो। और 2.1 GHz बूस्ट, सेम 128, बट इसके साथ आपको 16 GB मिलेगा और ये 250 W का ही रहेगा। ये जो 16 GB है ये प्ले गेम, प्ले ऑफ द गेम है, जिसको चाहिए रहेगा जो 4K पैकेज डाउनलोड करने के लिए, उनके लिए तो 6800 अच्छा ही रहेगा। और ये सब जो भी है अवेलेबल होंगे 6800 XT और 6800, ये नवंबर 18 को अवेलेबल होंगे, तो मतलब इंडिया में आने में अच्छे से एकदम अवेलेबल होने में एक महीना पकड़ के चलो, ये एक महीने में एकदम अच्छे से आ जाएंगे, तो दिसंबर में आपको क्रिसमस के पहले मिल जाएगा। और 6900 XT जो 3090 को कम्पीट करेगा वो हमें दिसंबर 8 में मिलेगा 2020 को, और वही और उसका प्राइस और जो भी स्पेसिफिकेशन हम आगे डिस्कस करेंगे। और आप देख सकते हैं कि RDNA 2 का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी एफिशिएंट है, और सबसे बड़ी बात ये TSMC के 7 nm पे है, तो इसलिए और इजी है। और जो 6900 XT है वो 65%, यानी मतलब जो ऑलरेडी हम लोग ने 54% पाया था, जो अभी आगे देखेंगे, 6900 XT और एफिशिएंट है कंपेयर टू अदर कार्ड्स, क्योंकि उन्होंने मेरे को लगता है बिनिंग की है, जो अच्छा अच्छा कार्ड होगा वो अलग कर दिया है, उसके हिसाब से लोग ने काम किया है। और जो लीडरशिप परफॉर्मेंस जो पर वॉट है वो एनवीडिया के ऊपर है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नॉर्मल AMD RDNA 2 54% इम्प्रूव हुआ है, तो उसमें डिज़ाइन, पावर एफिशिएंसी और पावर पर क्लॉक जो भी है ये सब उन्होंने इस स्ट्रक्चर में डाला है। इन्फिनिटी कैश का इनको बहुत फ़ायदा हुआ है, जिसकी वजह से इनको लो मेमोरी बैंडविड्थ विद हाई VRAM वो लोग यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी प्राइस बहुत ज़्यादा है, 54% इम्प्रूवमेंट हुआ है उनका पिछली जनरेशन से। आप देख सकते हैं इन्फिनिटी कैश जो नॉर्मल हम लोग को मिलता था 256 GB से, वो इन्फिनिटी कैश प्लस 256 GB कर दे तो 2.17% हाईएस्ट टू हाई हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये आराम से 4K गेमिंग कर सकता है, इसीलिए ये हो सकता है 3080 से 4K में हार जाए, क्योंकि वो GDDR6X है। लेकिन इन्फिनिटी कैश के वजह से वो इतना भी बुरी तरह से नहीं पटके नहीं खाएगा जितना हमने सोचा था। और जो इसमें जो ये थोड़ा ग्राफ जो है ये बनाया है, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है कि सेम पावर भी 7 nm 30% इंक्रीज फ्रिक्वेंसी, अगर वो 30% चाहते 30% इम्प्रूव कर सकते थे, लेकिन उतने ही कंप्यूट यूनिट पे, जैसे अगर आप 40 पे हैं, अगर आप सेम पावर देते तब 30% इम्प्रूव होता, लेकिन वो उसकी जगह कई और चीज़ें भी कर रहा है, तो इसलिए लगभग 15% फ्रिक्वेंसी इम्प्रूव हुई है इस जनरेशन में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AMD के जो नए नए फीचर्स हैं वो इस साल क्या हैं, जो DirectX 11 अल्टीमेट है ये उनका रे ट्रेसिंग का नया तरीका है, API फास्ट लोडिंग गेम SSD से लेगा, DirectX रे ट्रेसिंग है, वेरिएबल रेट शेडिंग है, मेश शेडर है और सैम्पलर फीडबैक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना कुछ खास नहीं है जो हम लोग ने सोचा था। और ये सब जो गेमिंग कार्ड है ये आपको Xbox X
एक्सबॉक्स एस और प्ले स्टेशन 5 जैसे कौनसल में भी मिलेगा जो इंडिया में लॉन्च, प्ले स्टेशन 5 इंडिया में लॉन्च काफ़ी लेट होगा, जिसको अगर सिर्फ गेम डाल के खेलना रहेगा उसके लिए अच्छा है, लेकिन यही है कि कौनसल गेमिंग है तो। और आप देख सकते हैं यहाँ पे राइजन 5000 सीरीज़ को अगर आप पेयर करोगे 600 ग्राफिक कार्ड्स के साथ, जो एएमडी का एक प्रो मूव है, ताकि आप इंटेल को ना ख़रीदें, अगर आपको रेडियन ग्राफिक कार्ड पसंद है तो आप उसके साथ क्या अगर डालेंगे तो फिर आपको बहुत और परफॉर्मेंस मिलेगी इनके स्मार्ट एक्सेस मेमोरी से। इसको तो टेस्ट करने के बाद ही मैं बता सकता हूँ कि कैसा रहेगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो हम लोग ओवरक्लॉक करते हैं उस ओवरक्लॉक परफॉर्मेंस को भी वो नॉर्मली जोड़ रहा है, क्योंकि RDNA 2 जो है वो काफ़ी एफिशिएंट है, तो उन्होंने रेस्ट मोड बनाया है, एक क्लिक ओवरक्लॉकिंग, मतलब जो भी आपका हाईएस्ट ओवरक्लॉक हो सकता है वो खुद ही कर देगा। तो रेस्ट मोड मतलब आपका ओवरक्लॉक हो गया, तो आपको उसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। आप रेज मोड को एक्शन में देख सकते हैं, यहाँ पे लगभग 30% परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है फोर्जा होराइजन 4 में, बाकी सब गेम में इतना इंप्रूव नहीं है। जैसे नॉर्मल ओवरक्लॉक करते हैं 10% का ओवरक्लॉक, ऐसा पकड़ के चलिए कि आपको 10% ओवरक्लॉक मिल रहा है, ये इतना कुछ खास नहीं। इतना 3080 करेंगे तो 4% होता है, तो घुमा फिरा के थोड़ा फ़ायदा होता है। ये है AMD का तरीका DLSS से लड़ने का। ये लोग स्क्रीन स्पेस रिफ्लेक्शन जो अपना नॉर्मल है, पूरी तरह से रेट रेसिंग नहीं, ये लोग सुपर रेजोल्यूशन डालेंगे। इसके बारे में अभी हमें कुछ खास पता नहीं है, लेकिन प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी और ये ज़्यादा आसानी से यूज़ किया जा सकता है DLSS के अनुपात में। और आप देख सकते हैं 6800 को 2080 के कंपेयर 2080 Ti के कंपेरिजन में, क्योंकि इस वक्त 3070 रिलीज़ नहीं था तो हम लोग कुछ कर नहीं पाए उसका, लेकिन आप देख सकते हैं कि 3070 और वो नेक एंड नेक है, और यहाँ पे वो लगभग 10% से 20% तक 10% अभी 4K में अगर देखा जाए तो उसका परफॉर्मेंस है, लेकिन 1440p में कुछ कुछ गेमों में देखा जाए तो वो 20% तक इंक्रीज़ हो सकता है। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसका प्राइस जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि 3070 और ये हम एंडिंग में डिस्कस करेंगे, और मुझे क्या लगता है कि क्या चाहिए, लेकिन आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे वो पूरी तरह से डोमिनेट कर दिया है। अब 6800 XT का प्राइस के अनुसार अब इंडिया में डिसाइड होगा कि आखिर वो कितने में आएगा, क्या करना है उसका, कि क्या क्या नहीं करना है, और वो तो अब इंडिया में के हिसाब से प्राइस देखेंगे कि कितना आगे आता है पीछे आता है, अभी रिलीज़ नहीं हुआ हम बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी कम से कम 60,000 तक तो आएगा ही। इतना नॉर्मल 3070 अगर 51 का है, और आप 6800 XT की बात करें तो देखें वो भी 3080 के अनुसार लगभग नेक एंड नेक है, और रेज मोड यूज़ करने पे 3080 से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं इसका प्राइस $650 है, जो मोस्टली इंडियन बजट से बाहर है। जो लोग यूट्यूबर है जिनको पैसा मिलता है उससे, या बाकी लोग जिनका रोज़गार गेमिंग के ऊपर है वही लोग खर्चा कर सकते हैं, हम लोग के तो बस की बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आज का जो भी है इंडिया के लिए इतना कुछ खास एक तरीके से तो नहीं है, जब तक ये लोग अपना 60 सीरीज़ नहीं रिलीज़ करेंगे, मतलब 6600 या 6700। आप देख सकते हैं कि नॉर्मल 1440p पे आने के बाद 6800 XT अपनी बढ़त बना लिया इन्फिनिटी कैश की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि जो AMD है इस बार Nvidia से नेक एंड नेक टक्कर ले रहा है, और 6900 XT ने भी 3090 तक को नहीं छोड़ा, उसको वहीं पटक दिया। लेकिन आप देख सकते हैं ध्यान से कि इसमें रेज मोड और स्मार्ट एक्सेस मेमोरी यूज़ करने के बाद, यानी मतलब ओवरक्लॉक करने के बाद ये 3090 से लड़ रहा है, लेकिन आप देख सकते हो $1000 का है और वो $1500 का। अभी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, नो होमो, लेकिन टीम की मुस्टैच मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए उसको भी इसमें ले लिया, उसने प्राइस बाजू में लिखा था। तो आप देख सकते हैं 6800 है जो $579 लगभग इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो ये आएगा लगभग 60,000 अबव, और 6800 XT 649 जो होगा लगभग 65,000, और 6900 XT जिसको कैलकुलेट करने का कोई मतलब नहीं, ये लाख के आसपास या उसके ऊपर भी हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे बजट या इंडिया के बजट के लायक तो इतना कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, तो हम ज़रूर पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें बहुत डिटेल में रहेगा, क्योंकि लास्ट टाइम Nvidia के समय किसी ने देखा नहीं था इसीलिए हम लोग ने उसको डिटेल में नहीं बनाया था। तो अभी के लिए बाय गाइस, बाय।
We'll be right back.